कर्नाटका गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को दिए जाने वाले शूज में करोड़ों रुपयों का स्कैम बताया गया है। गुलबर्गा आम आदमी पार्टी लीडर शरण नाइटी ने खुफिया कैमरे से तमाम सबूतों के साथ गरीब बच्चों के आड़ में हुए स्कैम को एक्सपोज किया है। शरण नाइटी ने प्रेस मीट कर तमाम सबूतों के साथ मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि गवर्नमेंट स्कूल में गरीब बच्चों को फ्री शूज दिए गए हैं और उसमें 40% स्कैम किया गया है। शरण नाइटी ने कहा, गवर्नमेंट स्कूल के गरीब बच्चों को अच्छी क्वालिटी शूज देना चाहिए था, पर SDMC स्कूल कमेटी के लोग सारा पैसा हजम कर इन बच्चों को सस्ते शूज दिए हैं जो कुछ ही वक्त में ख़राब होकर फट गए। पूरे कर्नाटका स्टेट में 132 करोड़ रुपयों का मामला बताया गया है। अगर पूरी ईमानदारी से अच्छी क्वालिटी शूज़ इन बच्चों को दिए जाते तो आज इन बच्चों के पैरों की हालत कुछ और होती। शरण आटियन टीम ने इन गरीब बच्चों के साथ हुए धोखे की तमाम तफसीलात बताते हुए कर्नाटका एजुकेशन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से इंक्वायरी कर एक्शन लेने की मांग की है। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। ओ 400 ಇವತ್ತು ತಗಲತಿದೀರಿ ನೀವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ರೇಟ್ 325 ರೇಟ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಲ್ರಿ 450 ಪೇರ್ ತಗಲತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರಿ ಬಾಬಾ ಹಾ ಅದರ ಸಲಕ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಂಗ ಅದ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಈ ನಮ್ಮ ಇವ್ರ ಸರ್ ಅದ ಇವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರು ಇನ್ನೂ ಶುದ್ಧ ಅವರವ ನೀ ಏಟ್ರ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ 50 ಹೆಚ್ಚ ನೋಡ್ರಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಪೇರ್ ಒಂದ್ 60 ಅಂತಾರ ಒಂದ್ 70 ಅಂತಾರ ಒಂದ್ 50 ಅಂತಾರ ನೋಡಿ ಅಂತಾರ 125 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೇಳ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕಮ್ ಬಂದ್ರು ಬಂದ ಬಾಟ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಾರ ಕಮಿಷನ್ ರೀ ನಮಗೇನು 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಶೂರ್ ಎಷ್ಟು ತೋಲತ್ತರಿ 85 ನಮ್ಮದು ಮತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮದ ನಾವು ಬೇಡಿಲು ಬಿ ಆ ಶುದ್ಧ ಅವರು ನಾವು ಬೇಡಿಲು ಬಿ ಬೇಕಾದವ್ರು ಅಂತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕೊಡೋಪ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ 50-60-70 ನೋಡಿ 70 ತಗೊಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ದವರು ಹಿಂಗೆ ನಡೆದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಸಿಟಿದಾಗ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಸ್ತದಾಗ ತೋಣ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ತೋಣರ್ ಅವ್ರು ನಾಳೆಗೆ ಹುಡುಗರು ಹರಿದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬೇಡ್ರಿ ಚಲೋ ಇರ್ತವ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಗೊತ್ತರಿ ಕಮಿಷನ್ ಕಮ್ ಬಂದ್ರು ಬಿಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಅಜ್ಜ ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷನಾಗ 65 ಹೇಳಿದ್ದ 70 ಹೇಳಿದ್ದ ನಾ ಬೇಡ ಅಂದ್ರಿ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೊಡು ಚಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಟ್ ಹುಡ್ಲತ್ತಾರ ಅಂತೀರಿ ಎಚ್ಎಂ ಗೌಡ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹಕ್ಕಲೆ ಇದ್ದವ್ರು 65-70 ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದೇ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡೇ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡ್ಲತ್ತಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡ್ಲತ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಇದು ಹೋಯ್ತು ಸೇಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ ಸಾಲಿಗೆ ರೀ ಸಾಲಿಗೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೊಳಿರ್ಲ ಹೌದಾ ಈ ನಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ ಬ್ರೆಂಚ್ ಗಳು ರಿಪೇರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೀವು ಏನಿರ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಸಾಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಏನು ನೀವು ತಿರುಗಾಡಿರ್ತೀರಿ ತಕ್ಕೋರಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೇವೆ ಆಜ್ ಕಾ ದಿನ ಹಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕಿಯೆ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಬೋಲೆ ತೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 132 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೋ ಅಲಾಟ್ ಕಿಯೆ ಸೋ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆ ಎಚ್ಎಂ सॉक्स और बूट लेना बोल के एक पेयर बूट लेना दो पेयर सॉक्स लेके बच्चे को फ्री में बांटना बोल के स्कूल का एक SDMC कमेटी रहता है वो कमेटी का हेड और सेक्रेटरी और 3 मेंबर रहते वो सभी मिल के ये शू सॉक्स खरीद करके बच्चे को फ्री देना बोल के है उसमें 132 करोड़ रुपए कर्नाटक सभी गवर्नमेंट स्कूल को गवर्नमेंट रिलीज किए सो है कब बोले तो 7वां महीना 2022 में हम गुलबर्गा में 20 स्कूल को गवर्नमेंट स्कूल को इंस्पेक्शन किए सो है उधर जाके चेक किए तो पता लगा है उधर ग्रीन ब्रांड नेम ग्रीन और चाबरा बोल के शूज़ उधर बेचा गया है ये लोग लो क्वालिटी वाला शू खरीद के उधर बच्चे को ला के दिए सो है लो क्वालिटी क्यों खरीदे बोले तो गवर्नमेंट रेट 265 125 और 6 to 8 तक
295 और 9 टू 10 तक 325 रुपये फिक्स किए सो है, बट ये लोग 180 200 210 रुपये में लाए सो है। बोले तो 1/3 40% पैसा खाए सो है। सीधा सीधा हम ग्राहक बन के वो दुकान में विजिट किए तो उनका बिल दे के हम स्कूल में बिल फोटो मार के लेके आए कहाँ से परचेज किए बोल के। हम ग्राहक बोल के वो दुकान में शू में दुकान में गए तो हमारे को 180 200 210 रुपये का कोटेशन भी दिए, वो भी हम आज प्रेस मीट में रिलीज किए। बोले तो हम ग्राहक गए तो 180 में देते, वही गवर्नमेंट वाले 265 में बिल लेके बूट खरीद करते। बोले तो उनको कैश पैसे दिए सो है, वो भी वीडियो हम रिलीज किए। कौन से गवर्नमेंट स्कूल वाले एचएम ऐसे खरीद किए सो वीडियो भी हम रिकॉर्ड किए सो है, स्ट्रिंग ऑपरेशन किए सो है। हम सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का एजुकेशन मिनिस्टर सीएम को ये बताना चाहते हैं, आप लोग शू में भी 40% पैसा खाने का सोच रहे हैं और ये आपका देख के ये स्कूल एचएम एसडीएमसी वाले कर रहे हैं, बोले तो आपको शर्म आना चाहिए। गरीब के बच्चे का शू जूते में भी पैसा खाने तक आपका सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है, ये कहाँ तक चलेगा भ्रष्टाचार। बच्चे को कल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के जज साहब बोले कि बच्चे को कपड़े नहीं दे रहे गवर्नमेंट स्कूल में बोल के, छी तो बोल के गालियाँ दिए, गुस्सा किए। बोले तो आप लोग ड्रेस भी देने नहीं हो रहे और आप उत्सव करने के लिए बीदर उत्सव करने के लिए आगे गुलबर्गा उत्सव करने के लिए करोड़ों रुपये सैंक्शन कर रहे हैं, क्यों नंगा नाच के लिए पैसा रिलीज कर रहे, कपड़े के लिए पैसा रिलीज नहीं कर रहे, शूग में रिलीज हुए समय 40% कमीशन खा रहे, आपका आग बंद है। हाँ, हम सीईओ जिला पंचायत सर को भी बोलना चाहते हैं, आपका एक कमेटी रहता गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने बताया सो, आपका कमेटी 5% शूज चेक करके वो सैंपल देख के आप रिपोर्ट देना बोल के, वो भी रिपोर्ट नहीं दे पा रहे। आप लोग क्या काम कर रहे हो, गवर्नमेंट का सैलरी लेके आराम सो जा रहे, आप लोग सिस्टम कोलैप्स हो रहा है टोटली कर्नाटक में। ऐसा होते गए तो हम बर्बाद होंगे, हमारा बच्चा बर्बाद होंगे, हाँ गवर्नमेंट सिस्टम ही कोलैप्स होगा इतना भ्रष्टाचार गए तो। हम सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को बताना चाहते हैं कि आप एक बड़े लेवल पे रिटायर्ड जज के नेतृत्व में इंक्वायरी बिठाना, इसमें कौन कौन शामिल है सबको जेल भेजना और इंक्वायरी करना, सस्पेंड करना, नहीं तो कब सीएम सर गुलबर्गा आते, मिनिस्टर सर कब एजुकेशन आते ना, तब हम धरना करते, घेराव करते, आपको हम छोड़ते नहीं कि इतना बताते कि क्या शूज़ हम उनको दिखाते ऐसा है बोल के। हाँ, उनको बोलते कि आपका बच्चे को डाल के देखो, तब पता लगता कि 2 महीने में फट जा रहे। हमारे बच्चे आपके बच्चे नहीं है, आप वोट लेते सीएम होने के टाइम, मिनिस्टर होने टाइम। मैं इसमें किसी को ये नहीं करूँगा, सबको एक ही दृष्टि में देखूँगा। बोले तो हमारा बच्चे आपके बच्चे सर का, सभी बच्चे को अच्छा न्याय देना, अच्छा शूज़ देना, सॉक्स देना, कपड़ा देना बोल के हमारा मांग है। शरण आई टी यस, हम 20 स्कूल को जाके देखे सो है, बूट सैंपल लाए सो है, स्टिंग ऑपरेशन किए सो है, वीडियो किए सो है, सब कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्शन किए सो, एस्टिमेट कलेक्शन किए सो, इनवॉइस कलेक्ट किए सो है। ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಡ್ಡಿವ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ದುರಾದೃಷ್ಟ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಬಿಸಿಬೂಟದಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ, ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ, ಬಿ ಓರಿಗೆ, ಎಸ್ ಡಿ